पैंडेमिक ने भले ही ऋचा चड्ढा और अली फजल के मैरिज प्लान को कर दिया पोस्टपोन। लेकिन अब एक साथ रहने के लिए अली फजल और ऋचा चड्ढा नहीं करना चाहते इंतजार, और इन लव बर्ड्स ने एक घर में साथ मूव इन करने का लिया फैसला। रिपोर्ट्स के मुताबिक ऋचा चड्ढा और अली फजल ऑलरेडी अपने इस घर को अपने टेस्ट के हिसाब से डेकोरेट करने में लगे हैं, और इसमें ऋचा चड्ढा के भाई उनकी मदद कर रहे हैं। ऋचा चड्ढा ने खुद एक न्यूज़पेपर से बात करते हुए अपने साथ मूव इन करने के डिसीजन पर कहा, The lease on my previous apartment had expired in March, but the lockdown postponed the shift. We wanted peace, and this place, which is close to the sea, is in a neighborhood full of retired people. Unlike Bandra and Andheri, which are crawling with paparazzi, it is more secluded and affords some privacy. I don't have to dress up to go to the gym or to run errands. वैसे ऋचा चड्ढा इज ऑलरेडी इम्प्रेस्ड विद अली फजल हाउसहोल्ड चोर स्किल्स, और उनका ये भी कहना है कि अली फजल इज अ बेटर कुक देन हर। ही इज फन एंड अनलाइक मोस्ट बॉयज लाइक्स टू हेल्प अराउंड। ही चोज द कर्टन्स विदाउट फस। लकीली आवर एस्थेटिक्स मैच फॉर द मोस्ट पार्ट। इट्स गुड टू फाइनली बी एबल टू टेक डिसीजंस टुगेदर, राइट फ्रॉम व्हाट सोप टू बाय टू व्हिच मेड टू हायर। Ali is a better cook, especially when it comes to continental cuisine. We went grocery shopping. His bag was bigger than mine. I enjoy organic farming, and here we have a space to grow a kitchen garden of our own, which he is helping me with. वैसे अब साथ मूव इन करने के बाद अली फजल और ऋचा चड्ढा को शादी की जल्दबाजी नहीं है। And when asked about marriage plans, she said, How does one set a date when the number of cases is spiking every day? Till there's a vaccine, there is no use zeroing on a date. Well, it seems pandemic ke puri tarah khatam hone ke baad hi Ali Fazal aur Richa Chadha karenge shaadi ki planning. लेकिन बॉलीवुड के एस कोरियोग्राफर प्रभुदेवा पैंडेमिक के बीच में ही अपनी क्लोज फैमिली और फ्रेंड्स की मौजूदगी में चेन्नई में कर ली अपनी दूसरी शादी। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रभुदेवा ने मुंबई बेस्ड एक डॉक्टर हिमानी से शादी की है, और यहाँ इंटरेस्टिंग बात यह है कि प्रभुदेवा की लव स्टोरी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रभुदेवा और हिमानी की मुलाकात हुई जब प्रभुदेवा अपने बैक और लेग्स का ट्रीटमेंट करवा रहे थे, और इसी ट्रीटमेंट के दौरान दे फेल इन लव। और फिर रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रभुदेवा हिमानी के साथ रहे फॉर 2 months इन अ लिव इन रिलेशनशिप, और फाइनली मई महीने में प्रभुदेवा ने कर ली शादी। इस न्यूज को अब प्रभुदेवा के भाई ने भी कर दिया है कन्फर्म। आपको बता दे, प्रभुदेवा was earlier married to रामलता। प्रभुदेवा साउथ एक्ट्रेस नयनतारा के साथ रिलेशनशिप को लेकर भी न्यूज में आए थे। एक सरप्राइजिंग रिपोर्ट ये भी आई थी कि प्रभुदेवा has married his niece। लेकिन अब प्रभुदेवा के हिमानी से शादी की न्यूज कंफर्म होने के बाद सभी रूमर्स पर लग गया है ब्रेक।